चाणक्य ने सफलता के बारे में कई प्रेरक उद्धरण दिए हैं। ये उद्धरण जीवन में नेतृत्व, योजना और संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शत्रु जीतें और विजयी बने, पर अपने आप को सदैव जीतें और विजयी बनाएं। जो अपनी बुद्धि को प्रयोग में लाने में समय नहीं बर्बाद करता, वह बिना किसी परेशानी के सफलता की ऊंचाई तक पहुंचता है। उस व्यक्ति को सबसे पहले आत्मनियंत्रण होना चाहिए, फिर ही वह दूसरों की नियंत्रण में आ सकता है। उसे सफलता मिलती है जो अपने कार्यों को धैर्य और संघर्ष से पूरा करता है। वही सफल होता है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय का समय इस्तेमाल करता है। समय के साथ संघर्ष करो और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाओ। सफलता का आसान तरीका वह है जिसमें संघर्ष की बजाय आत्मनिरीक्षण का उपयोग किया जाता है। उसे जीत ही मिलती है जो हर संघर्ष के बावजूद अपने मकसद की ओर बढ़ता है। सफलता के लिए अभ्यास और विनय अत्यंत आवश्यक है। जिसे भी सफलता प्राप्त करनी हो, उसे तय करना होगा कि वह सफलता की ओर अग्रसर होने के लिए पूरी तरह समर्पित है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक, बड़ी से बड़ी समस्या का सामना भी अगर धैर्य के साथ किया जाए तो उससे बाहर निकलना बहुत आसान हो जाता है, वरना धैर्य की कमी कई बार बनते काम भी बिगाड़ देती है। चाणक्य कहते हैं कि किसी बड़ी मुसीबत में फंसने पर व्यक्ति को धैर्य और समझदारी के साथ उससे बाहर निकलने के तरीके सोचना चाहिए। चाणक्य नीति के मुताबिक, अगर व्यक्ति अपने डर पर काबू पा ले तो उसके लिए बड़ी मुसीबत से बाहर निकलना काफी आसान हो जाता है। डरा हुआ व्यक्ति पहले ही हिम्मत हार जाता है और उसके परेशानी से बाहर निकलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी काम योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो उसके सफल होने की संभावना पूरी होती है। किसी भी काम को शुरू करने के लिए जरूरी है कि योजना बना ली जाए। आचार्य चाणक्य के मुताबिक, कम संसाधनों के बावजूद साहस और बुद्धिमत्ता के दम पर कई युद्ध जीते गए हैं। साहस होना व्यक्ति को सकारात्मक बनाता है। मुश्किल समय में भी अपने साहस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भाग्य हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो पुरुषार्थी होते हैं। पुरुषार्थी यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करता है। पुरुषार्थी व्यक्ति इस बात का हमेशा ध्यान रखता है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसके कर्म में कोई भी कमी न रह जाए। कठिन परिश्रम करना और लक्ष्य के प्रति फोकस रहना ही पुरुषार्थी व्यक्ति की पहचान है। ऐसे व्यक्ति कभी भी भाग्य के भरोसे चुप नहीं बैठता। वो कभी ये नहीं सोचता कि जो भाग्य में लिखा है वो मिल ही जाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने निश्चय का इतना पक्का होता है कि भाग्य को भी झक मारकर उसका साथ देना पड़ता है। दो तरह के लोग कभी नहीं होते। सफल आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में इस बात का जिक्र किया है कि जीवन में दो तरह के लोग ऐसे होते हैं तो कि बहुत मेहनत करने के बाद भी कभी सफल नहीं होते। अपनी कुछ कमियों के कारण इन्हें बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है। आइए जानते हैं कौन से दो लोग कभी सफल नहीं हो पाते। वे लोग जो सोचते हैं पर करते नहीं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि कुछ लोग सफलता पाने के लिए बहुत कुछ सोचते हैं और अपने मन में कई बातों पर विचार करते हैं, लेकिन ये लोग इसके लिए कुछ करते नहीं। यानी जो लोग सोचते हैं पर कुछ करते नहीं, ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो पाते। सफल होने के लिए व्यक्ति को सोचने के साथ साथ अपनी सोच पर कार्य भी करना चाहिए। आप सफल होने के लिए जो रणनीति बना रहे हैं उस पर काम करें। केवल सोचने से कुछ हासिल नहीं होता, इसीलिए विचारों को एक रूप देना बेहद जरूरी है। ऐसे लोग जो बिना सोचे समझे काम करते हैं, आचार्य चाणक्य के अनुसार जो लोग बिना सोचे समझे काम करते हैं वे भी कभी सफलता हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि सफलता हासिल करने के लिए एक रणनीति बनाई जाती है और उसी के आधार पर कार्य किया जाता है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाएं। योजना बनाने से आपको लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में आने वाली परेशानियों से निपटने में मदद मिलेगी। बिना सोचे समझे कार्य करते हैं तो परेशानी आने पर उससे निपटने का हल तलाश करने में ही समय निकल जाता है। चाणक्य नीति के मुताबिक
जो लोग दिशाहीन होकर कार्य करते हैं उन्हें सफलता कभी नहीं मिलती। सफलता वही है जो हमेशा से हमेशा प्रयासरत रहता है। सफलता वहां है जहां आपकी इच्छा और कड़ी मेहनत मिलती है। सफलता उसके लिए है जो हर बार नया तय करता है कि उसके सपनों को कैसे हासिल करें। सफलता उसे मिलती है जो हार नहीं मानता। सफलता वहां होती है जहां संघर्ष और धैर्य का नवल खेल होता है। सफलता उसके लिए है जो संघर्ष के बावजूद आगे बढ़ता है। सफलता एक संघर्ष का नतीजा है जो केवल मेहनत और निष्ठा से ही मिलता है। सफलता उसे मिलती है जो हमेशा सपने देखता है और फिर उन्हें हासिल करने के लिए काम करता है। सफलता वही होती है जो अपने सपनों का पीछा करता है और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करता है। सफलता वही है जो अपने उद्देश्य के प्रति पूरी श्रद्धा रखता है। सफलता एक दृढ़ संकल्प के साथ होती है। सफलता उसे मिलती है जो अपने मन की सुनता है और अपने सपनों की परवाह करता है। सफलता उसके लिए है जो अपने संघर्षों से नहीं डरता। सफलता वही है जो अपने लक्ष्य के प्रति अद्भुत प्रतिबद्धता और निष्ठा रखता है। सफलता उसके लिए है जो अपने सपनों को अपनी जिंदगी बनाने के लिए प्रयत्नशील है। सफलता उसके लिए होती है जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। सफलता वही होती है जहां संघर्ष और साहस का साथ होता है। सफलता वही होती है जो हर बार कोशिश करता है और हर बार गिरकर उठता है। सफलता उसके लिए होती है जो सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करता है। सफलता उसके लिए है जो अपने सपनों के पीछे भागता है और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करता है। सफलता उसके लिए होती है जो अपने मन की आवाज को सुनता है और अपने सपनों को खोजता है। आपका सपना आपके जिंदगी का ध्यान बना रहे और आप अवश्य ही उसे पूरा कर पाएंगे। सफलता के लिए सबसे पहला शर्त है उसमें विश्वास रखना और फिर मेहनत करना। पके सपने आपकी मेहनत और निरंतर प्रयास से ही पूरे होते हैं। सफलता का राज है संघर्ष की ताकत का सामना करना और उसका सामना करना। जो आपका लक्ष्य है उसका उपाय आपके प्रयास और संघर्ष में छिपा होता है। सफलता उसके लिए मिलती है जो विफलता के बावजूद फिर से उठता है और फिर से प्रयास करता है। हर असफलता को एक नई संभावना के रूप में देखें और फिर निरंतर प्रयास करें। सफलता का रहस्य है आपकी निष्ठा, धैर्य और मेहनत में। जो आपके सपनों को छूने के लिए प्रयत्नशील है वही वास्तव में सफल होता है। सफलता वही मिलती है जो हर बार गिरकर उठता है और फिर से प्रयास करता है। सपने वहां नहीं होते जहां रास्ते होते हैं। सपनों के लिए जिंदगी होती है। जो भी आपके सपने हैं उन्हें पूरा करने के लिए आपको उन्हें देखना होगा। संघर्ष के बिना सफलता मिलना अधूरा होता है। सफलता वहां है जहां तैयारी और अवसर मिलते हैं। जो कुछ भी आपके सपने हैं उन्हें पूरा करने के लिए आपको उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करनी होगी। फलता का मतलब है अपने मार्ग को खुद चुनना। फलता उसे मिलती है जो वहां रुकते नहीं है, जो हार मानने का सोचता ही नहीं। कठिनाइयों का सामना करने से ही सफलता मिलती है। सफलता उसे मिलती है जो हर बार गिरकर उठता है और फिर से प्रयास करता है। जो भी हो आपका ध्यान हमेशा आपकी सफलता की ओर होना चाहिए। सफलता वही होती है जो हमेशा से हमेशा प्रयासरत रहता है। समर्पण और मेहनत से ही सफलता मिलती है। कोई और रास्ता नहीं है। अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करो और फिर उसे पाने के लिए मेहनत करो। सफलता का रहस्य है आपके सपनों की आकांक्षा और उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत। आपकी सफलता आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। सफलता उसे मिलती है जो ना सिर्फ सपने देखता है बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और निष्ठा भी दिखाता है। सफलता वही है जो अपने सपनों का पीछा करता है और उन्हें पूरा करने के लिए काम करता है। सफलता उसके पास होती है जो अपनी कठिनाइयों का सामना करता है और उन्हें पार करता है। जो लोग संघर्ष के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं वे ही वास्तविक सफलता को जानते हैं। सफलता वहां है जहां व्यक्ति अपनी मनोबल और धैर्य की सीमा को पार करता है।